ललितपुर जिले के रुकवाहा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र लगभग 7 साल पहले बना, लेकिन कभी खुला ही नहीं। अगर कोई बीमारी या डिलीवरी कराना होता है तो 25 किलोमीटर दूर मेहरौनी जाना पड़ता है। आपके यहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र है कितने दिन से नहीं खुली? बहुत देर से, जब से बना है जब से खुला ही नहीं है। किस वजह से नहीं खुलती है? अब का पता, डॉक्टर लोग आते नहीं है और हम लोग क्या करें गाँव वाले। जैसे डिलीवरी वगैरह होती है कहाँ पर ले जाते हो? मेहरौनी। मेहरौनी कैसे ले जाते हो? अब वाहन कोई निजी वाहन करते हैं, कोई एम्बुलेंस आ गई तो आ गई, ना तो कोई जरूरी नहीं आती नहीं है। ट्रैक्टर से ले जाते, अपने वाहन है ही नहीं है यहाँ। डिलीवरी हो से परेशान हो, इतने गांव में है साधन, कोई के पास है कोई के पास नहीं है, सो महरौनी जात परेशान हो तो वाहन करने आओ, पैसा भी लगा, डिलीवरी भी परेशान हो। महरौनी से आती सो मंदन न बैठती, यहाँ कभी नहीं आती जानकारी ले रही। ये जब से बनी है दीदी, जब से इसमें ताला डला है घुसा पड़ा है, यहाँ कोई कर्मचारी आता ही नहीं है, यहाँ कोई आता नहीं है। डिलीवरी वगैरह होती है तो अपना वाहन करके ले जाते हैं, तो वहाँ महरौनी जाने में पहली बात रोड खराब है, वहाँ से एम्बुलेंस आने में लेट हो जाए, हो सकता है इधर कहीं कुछ वाहन लिया तो महंगा पड़ता है, अपना वाहन करने से ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए उसको ठीक किया जाए। आप लोगों ने कहीं शिकायत वगैरह नहीं की? प्रधान जी ने करी शिकायत। कहाँ पर की थी? महरौनी जो बड़े बड़े अधिकारी उनके पास करी, सुनते ही नहीं है। रुकवाहा का स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं खुलता है सर? खुलता है, उसका रोस्टर के आधार पर खुलता है, जब जिस दिन उसका टर्न होता है उस दिन खुलती है। महरौनी तो अब डाउन करती है महरौनी से। आप गए हो कभी? हाँ कई बार गए हैं। आपको कैसा मिला था स्वास्थ्य केंद्र? खराब मिला था, इसी बात उसको वेतन भी रोका गया है, और उसको भी पिछले महीने भी वेतन रोका गया है, और कहा गया है कि सेंटर सही कराएं, पुताई कराएं, घास कटवाएं, ये सब हटवाएं। लोगों के अनुसार एएनएम जब टीकाकरण के लिए आती है तो किसी के घर में बैठकर टीकाकरण करती है,